देखिए, थानाखेरी में एक कंप्लेंट हमें मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि कुछ लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ये यकीन दिला के किसानों को लेकर के जाते हैं कि उसमें एक फिक्स मंथली इनकम दिलाएंगे 8 से 10 हज़ार रुपये की पर मंथ, और किसान इसी पहचावे में आके उन्हें अपना ट्रैक्टर ट्राली दे देते थे। ये लोग उन ट्रैक्टर ट्रालियों को ले जा करके उन्हें पूरे दाम पर पे अन्य लोगों को बेच देते थे, कबाड़ में निकाल देते थे, और उससे मिलने वाले पैसे 40-50 हज़ार रुपये एक ट्रैक्टर ट्राली से जो इन्हें मिलते थे उससे ये शुरू के 1-2 महीने में किसानों को पेमेंट भी करते थे, जिससे कि अन्य किसानों को भी यकीन हो जाए कि ये मुनाफे का सौदा है और इसमें लिया जा सकता है। इसके लिए इनमें एक NTPC में कार्यरत भी है कर्मचारी, और ये उसी का सहयोग लेकर के ये दिखाते थे कि हम आपकी गाड़ी जो है, जो ट्रैक्टर ट्राली है, टैंकर है, इसे NTPC में लगवा देंगे, वहीं से आपको, सरकारी संस्था है वहाँ से आपको पैसे मिला करेंगे। इस तरीके की धोखेबाजी और जालसाजी ये लोग कर रहे थे। इस पे SO खीरी और CO मेजा इनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी, पूरा मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोग भी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो खरीदते थे और इस तरीके की जालसाजी करते थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, बहुत जल्दी ही उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ से इनके तार जुड़े हैं, कोई और भी बड़ा गिरोह है, और किस तरीके से, क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई ऐसी घटना की थी आप? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अराउंड अभी तक ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके अलावा 4 से 5 लोगों के और नाम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा गिरोह है और इस पर बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, हमारी जो खीरी पुलिस है, और ये लोग अभी तक इनका आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। पर ये नए नए इन्होंने ये चीज़ें सीखी थी और एक नॉवेल क्राइम कर रहे थे उस एरिया में जो कि देहात का है, इंटीरियर है, किसानों को ये अपने झांसे में लेते थे इसलिए कि इन पर शक न जाए, तो इसी पे इनपुट को हम लोगों को जो भी मिला था उसमें FIR रजिस्टर करते हुए बहुत अच्छा इसमें टीम वर्क का काम किया है खीरी पुलिस ने, और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।